रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ और जो भी खुशी से इस शादी का हिस्सा बनना चाहता है वो यहाँ रह सकता है। Oh my God, आप मुझे घर गिफ्ट करना चाहते थे। एक बात तू कान खोल के सुन ले ईशा, अगली बार राहुल कुछ बोले या ना बोले लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या आप राहुल से प्यार करती हैं? खुद को देख, तू ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है। यू नो व्हाई? बिकॉज डीप इनसाइड यू लाइक राहुल। तुम किसकी बात कर रहे हो राहुल, क्या हुआ? वो मैं ही हूं ना। राहुल क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो? देविका, I'm sorry. अब क्या हुआ? Exactly. अब, अभी, हमेशा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत की है। देखो अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगे ना तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे बहुत काम करना है। मैं हूँ ना वो, मैं हूँ ना जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। देविका, इसे मुझे पता नहीं मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया। एवरीथिंग इज अबाउट मी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी प्रॉब्लम और मेरी स्मैम में मैंने तुम्हारे बारे में कोई सोचा ही नहीं है। सिर्फ तुमसे एक्सपेक्ट करता रहा और तुम बिना कंप्लेन किए सब कुछ करती रही, मेरी बकवास भी सुनती रही। आई स्वेयर मैंने तुमसे अच्छी लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। देखो राहुल, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। शायद मेरी भी मिस्टेक नहीं क्योंकि दिल तो किसी पर भी कभी भी, एंड यू ओनली बीन नाइस टू मी। सो यू नो व्हाट, मैंने तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ छीना है, हमेशा दुख दिया, हमेशा परेशान किया, लेकिन अब और नहीं। राहुल सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? मुझे सिर्फ दोस्ती चाहिए, कैन वी प्लीज नेवर डिस्कस दिस और हमेशा दोस्त रहे। हमेशा हमेशा के लिए, आई प्रॉमिस। जजमान, अब वर वधू को बुलाइए। वधू के पिता को बुलाइए। जी, वो तो नहीं है, नहीं रहे। तो कन्यादान आप करेंगे? जी नहीं, उनकी माता जी करेंगे। अच्छा अच्छा, बुलाइए। मम्मी जी, तो फिर आप वर के पिता हैं? मैं वर हूं। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। जजमान, बधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा। ईशा चल, ईशा Thank you.
ईशा ऐसे कैसे कर सकती है? ईशा भाग गई? हो ही नहीं सकता। कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में तैयार हुई थी, मैं उसे देखकर आई थी। कमरे में ही होगी ना? नहीं है दी। माँ, यानी कि हमारे सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी और डिजाइनर वेयर लेके, आई न्यू इट, ये लड़की पहले से ही, शी वाज ओनली आफ्टर मनी, और एक बार वो हाथ लग गया तो बस गई। अगर वो पैसों के पीछे ही होती तो आपका दिया हुआ 1 करोड़ का चेक नहीं ले लेती पम्मी आंटी। और अगर ज्वेलरी में इंटरेस्ट होता ना, तो वैसे भी शादी के बाद ज्वेलरी उसी की होनी है ना? ओह शट अप, ये तीनों मिले हुए हैं और ये लोग दिवीना को बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। कम ऑन दिवीना, टेल मी, तुम जानते होगे ईशा कहाँ है? टेल मी वेयर इज शी? ऐसे कुछ भी नहीं, आई कैन वाउच फॉर। रियली? अब ईशा तो भाग गई, अब क्या करोगे? और तुम्हारे कहने पर मैंने परी के सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी ईशा को दी थी। देखिए आंटी, अब फालतू में डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ करना होगा। मुझे पता है क्या करना है। शादी का घर है, शादी तो होना ही है, पर अब ईशा से नहीं, निशी से। विक्रम जी, आई एम सो सॉरी। भाई साहब, आजकल के यंगस्टर्स की ना बस यही प्रॉब्लम है, कहते कुछ है और करते कुछ और है। वैसे अब तो हम एक बार फिर आपको भाई साहब कह सकते हैं ना? भाई साहब? माँ, वैसे आज हमें यकीन हो गया कि ईशा हमारी बेटी है। हम तो शादी के लिए घर से भागे थे, वो तो अपनी शादी से भाग गई। एक बात बताऊं, मैंने आइडिया दिया था, और देखो यहाँ इन लोगों की लॉटरी लग गई। ईशा, तुम कहाँ चली गई थी, क्या हुआ? वो मैं घबरा गई थी। किससे? शादी से। मेरा तो फर्स्ट टाइम है ना, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं भाग गई। पर जितनी दूर भागी, मुझे रियलाइज हुआ, दिस इज ऑल आई वांट, यू मी, ये शादी, इसलिए मैं वापस आ गई। Shall we get married? Yes. ये ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए एज अ फर्स्ट वेडिंग, जो जब नहीं हो रही थी तब सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग। व्हाट? सी, फेरे हो रहे हैं एंड एवरीवन इज सैड। साक्षी, हर चीज में कमेंट करना, कंप्लेन करना जरूरी नहीं है। अगर ईशा शादी से खुश है तो हमें भी उसके लिए खुश होना। फैमिली को एक साथ अगर रखना हो तो एक दूसरे का साथ देना होता है। तू है ना हमारे साथ? बस बस, दैट्स ओके, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, यू टू। फाइन।
ये लहंगा बहुत हैवी है, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। You look beautiful. मैं चेंज करके आती हूँ, I'm really tired. यहीं करो ना चेंज। विक्रम? करो ना प्लीज। What? अरे आज तक सिर्फ सोचा था तुम कैसी दिखोगी, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ। I just want to see you. और देखो बिल्कुल भी गलत मत समझना, बहुत सी लड़कियां थी जो मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन I came to love you. Oh God, and I love you so much. Vikram, please, मैं चेंज करके आती हूँ। Just a minute. मेरी उम्र में सब्र मुमकिन नहीं। God, you're so beautiful. Stop! नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम साल 2000 में कदम रखेंगे। खुशी और जोश से भरे साल के इस महीने में आइए ताजा करते हैं अपनी यादों को बीते कुछ दशक के बेहतरीन फिल्मों के उम्दा गानों से। तो ये गाना आ रहा है फिल्म इश्क से, उन लिसनर्स के लिए जिनके दिल में मोहब्बत अभी भी जवान है। विक्रम, प्लीज। सोच दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। राहुल, मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। पर कल नया दिन आएगा राहुल, और इससे बेटर होगा। ओके, लुक एट इट दिस वे। जब लाइफ हमें बिल्कुल नीचे गिरा देती है ना राहुल, तब हमें एक मौका देती है जो डर हम में पनप रहा है उसे खत्म कर देने का। उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होना है, ट्रस्ट मी। तुम ऐसे हार मत मानो राहुल। मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। किस लिए? कोई बात है जिसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए। राहुल, पुट दैट ग्लास डाउन। तुम फिर से वही सब स्टार्ट करने वाले हो। मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। ये सब कुछ इतना तुमने काम करके बनाया, इतनी मेहनत, इतनी शोहरत कमाई है, तुम्हें इसका कुछ भी क्या? मैरी मेरी बिना शादी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ। देखा था बिना, जब मैं ईशा से प्यार करता था तब मैं तुम्हारी मोहब्बत समझ नहीं पाया। How dare you, राहुल? देवीना,
देवीना मेरी मेरे नजदीक मत आना राहुल। मैंने तुमसे प्यार किया वो मेरी फीलिंग्स थी। मैंने तुमसे पूछकर तुमसे प्यार नहीं किया, ना तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया, और इस वजह से मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत भी नहीं की। आज ईशा की शादी, तो व्हाट डू यू थिंक आया? मैंने कभी नहीं सोचा था राहुल कि तुम मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाओगे, मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट करोगे। मैं तुम्हारा रिबाउंड नहीं बनना चाहती थी, तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी। मुझे गलतफहमी होगी कि राहुल जो तुम मुझे मिलते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, हंसते थे, उठते थे, बैठते थे, उसे मैं प्यार समझ बैठी थी। लेकिन वो गलतफहमी क्लियर हो गई थी राहुल। तुम्हें इस तरीके से मुझ पर रहम नहीं खाना चाहिए था। अभी से तुम मुझसे दूर रहोगे। आई हेट यू। देवीना, देवीना, देवीना भाई। नो राहुल, बस मुझे इससे ज्यादा ना कुछ सुनना है और ना ही कहना है। शायद मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत ना हो, शायद मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं या हार भी जाऊं, लेकिन कभी बिचारी नहीं बनूंगी। मुझे बिचारी समझने की गलती कभी नहीं करना राहुल नंदा। मुझे तुम्हारे विचार की कोई जरूरत नहीं। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो द आंसर इज नो। नो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती।